चेक कर सकता है आराम से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सातधार जलप्रपात, अभी यहाँ पर्ची काट रहे हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे मुड़ के रहेंगे। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, घुमा आराम से आराम से आराम से। एक दो देखना। हेलो दोस्तों, तो आज हम जाने वाले हैं सातधार जलप्रपात की खूबसूरती देखते हैं। आज बारसूर के अंदर तरफ पड़ता है, देखते हैं। चलिए, हमने इससे पहले गणेश मंदिर की व्लॉग बनाई थी, आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक है। और तो चलिए चलते हैं आगे, वीडियो में बने रहिएगा। घंटे देखिए बोर्ड कुछ दिया हुआ, अभी कच्चा रास्ता से होकर जाएंगे। तो गणेश मंदिर से सातधार की दूरी 13 किलोमीटर, बारसूर से 11 किलोमीटर और किरंदुल से सातधार की दूरी 69 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट, तो चलिए चलते हैं सातधार। और यह देखिए धतूरा का पेड़ पूरा रोड के किनारे किनारे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जंगल से होते हुए जाएंगे हम सातधार। यहाँ देखिए बोर्डमन लगा हुआ है, भुजमांड का जंगल है। यहाँ देखिए घना यह देखिए घना घना जंगल, यहाँ सीआरपीएफ की कैंप भी है साइड में। सातधार जलप्रपात देखने का अच्छा मौसम रहता है, जुलाई से लेकर फरवरी माह तक अच्छा होता है। यह बरसात के दिनों में नदी उफान पर रहती है, तब नदी नहीं दिखाई देती। सातधार जाने का मार्ग यही है, देखिए यहाँ फैमिली के साथ या अन्य साधनों से भी आ सकते हैं, यहाँ सभी आ सकते हैं आराम से। सातधार जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला के बारसूर से 8 किलोमीटर की दूरी पर, बारसूर जगदलपुर से 100 किलोमीटर की दूरी स्थित है यह सातधार जलप्रपात। सातधार जलप्रपात हम लगभग आ चुके हैं, तो चलिए अभी इंद्रावती नदी देख के आए ब्रिज पास। हम लोग नदी जाएंगे, वहाँ जाएंगे ना हम लोग, आगे चलकर आते हैं। देखिए बोर्ड दिया हुआ, देखिए अभुजमांड क्षेत्र जंगल। यहाँ से देखिए पहाड़ों, यह इंद्रावती नदी देखिए। आज तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रहा है हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ से इंद्रावती नदी बहाव। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। तो दोस्तों हम अभी जाते हैं सातधार जलप्रपात। चलिए गणेश 8 किलोमीटर, मामा भाचा मंदिर 9 किलोमीटर यहाँ से दिया हुआ। देखिए सातधार जलप्रपात में आपका स्वागत है। अच्छा, अभी पर्ची वर्ची कटाते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं सातधार जलप्रपात। हम पर्ची काट रहे हैं, देखिए आराम से चलो ठीक। यहाँ से देखिए जब रास्ता से होकर जाना पड़ेगा थोड़ी दूर, 1 किलोमीटर की दूरी। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सातधार जलप्रपात। देखिए सातधार जलप्रपात की खूबसूरती। एक दो देखना, सब जगह मस्त तो यहाँ शांत सा माहौल है। एक दो तीन चार पाँच छ सात और लास्ट में हो गया था। देखिए अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ आइएगा विजिट करिएगा, तभी यहाँ आपको आकर मज़ा आएगा, ऐसे आप वीडियो में मज़ा नहीं आएगा।
तो देखिए लास्ट तक वीडियो, फिर उसके बाद आइएगा आप भी। पहले गए थे वही वाला ब्रिज है, देखिए यहाँ आकर आनंद लीजिएगा सात धार जलप्रपात का। तो आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको सात धार कैसे लगा हमें कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो में। रोड नहीं है, एक ही रोड है। हाँ एक ही है, अभी और चेक कर सकता है आराम से। चला वो कहीं चेक करें।